इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्लिक करें बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आती है आपको सबसे पहले पता चल जाए। आंवला यानी कि गूसबेरी, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। लेकिन इसको खाएं कैसे? इसको हम ऐसे कच्चा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा खट्टा लगता है, तो आइए आज मैं आपको सिखाऊंगी इसका अचार बनाना। इसके साथ में हम इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च भी डालेंगे जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ाएंगी और ये खट्टा तीखा बहुत अच्छा सा अचार बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आइए देखते हैं आंवला लाल मिर्च का अचार कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 10-12 आंवला, ये लगभग 200-250 ग्राम आंवला है, 2 साबुत मोटी वाली लाल मिर्च। मसालों में हमें चाहिए सौंफ 1 बड़ा चम्मच, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच, राई 2 छोटे चम्मच, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1-2 छोटे चम्मच जितना तीखा आप इसे पसंद करें, हींग पाउडर 1.5 छोटा चम्मच, मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, कलौंजी 2 छोटे चम्मच, सरसों का तेल 4 बड़े चम्मच, अदरक 2 छोटे चम्मच घिसा हुआ अदरक हमें इसमें चाहिए। तो अब हम आंवलों को उबालने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे। अब ये पानी उबल गया है तो हम इसमें ये आंवले डाल देंगे। अब गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे करके हम आंवलों को ढक के 7-8 मिनट तक उबलने देंगे। आप चाहें तो आंवलों को माइक्रोवेव में भी उबाल सकते हैं। 1/4 से 1/2 कप पानी डालकर एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में 2-3 मिनट के लिए। अब आंवले सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इन्हें पानी से निकाल कर अलग रख देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब आंवलों में 4 चीरे लगाकर इन्हें इस तरह काट कर 3-4 घंटे तक रख देंगे जिससे कि ये थोड़े से सूख जाएं। अब लाल मिर्च में एक चीरा लगाकर इसके अंदर के ये बीज हम निकाल कर अलग कर देंगे। अब इनको हम इस तरह से काट लेंगे तो हमें लाल मिर्च के इस साइज के पीसेस करने हैं। अब हम दाना मेथी और राई को साथ में दरदरा पीस लेंगे। तो अब आंवलों को उबाले हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं तो अब हम कढ़ाई में तेज आंच पे तेल गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग और कलौंजी, इनको जल्दी से हिलाएंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें राई और मेथी दाने का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें पिसी हुई सौंफ मिला देंगे, इन्हें हिलाते हुए 1-2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अब इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इन मसालों को 1/2 मिनट तक पका लेंगे। अब ये कटा हुआ आंवला हम इसमें डाल देंगे और गैस को बिल्कुल लो पर कर देंगे। एक दो मिनट आंवला फ्राई हो जाए तब हम इसमें ये लाल मिर्च मिला देंगे। अब इसे ढककर 3-4 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें ये घिसा हुआ अदरक मिला देंगे। अब 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और ढककर इसे 10-15 मिनट तक रख देंगे जिससे ये स्टीम में थोड़ा सा और पक जाएं। अब ये खिला खिला अचार बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप वैसे तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं, 1-2 दिन रखने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसे आप एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 2 महीने तक चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।